What's up? We are back to another vlog. Oh, just literally बस अभी उठ गए, अभी जा रहे घर, नाश्ता वाश्ता करेंगे, थोड़ी जान ताकत माकत बनाएंगे और ताकत आपको पता है सर्दियों में अंडे ही खाने चाहिए। हम तो सर्दियों में अंडे ही खाते, लेकिन सर्दी नहीं लगे वो बोटी एकदम ताकतवर लगे। बस नाश्ता वाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद सीधे दुकान जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह दोपहर को प्रोग्राम बने हुए एक दो जगह के, बस हमारे बंदे अभी तक आ जाएंगे, दो बजे तक सारे आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कहीं घूमने जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लिटरली बच रहे हैं, बैठ के चुप चुप के चोरी खा रहे, दुकान से चोरी कर रहा है। हदी इधर देख, हदी चुप चुप के चीज़ें खा रहे। हाँ पापा मारेगा। हाँ अब देखो, एक मुझे भी दे ना। मम्मी क्या है? भाई पीटीआई वाला तो नहीं है किधर? नहीं पीछे गया कारखाने में चुपके चीजें खा ली। पेड़ भर गया, चुपके चीजें खा रहे, चुपके खा रहे। मैं शादी थी 2000 years later. हम लोग तो बैठे थे अभी अमित भाई की दुकान में, और ये हमारे भाई कल गए थे मच्छी पकड़ने। भाई सर कितनी मच्छी पकड़ी आपने? मच्छी क्या पकड़ी, मच्छी तो मिली नहीं, ये पकड़ ली। जितना झींगा लेके गया था वो मच्छी खा गई। पकाया तो कोई जरा ही नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ तुम सबको कि भाई मच्छी समंदर में नहीं है, फिशरी में ही है। आप सब लोग जाओ फिशरी से खरीद लो, टाइम वेस्ट नहीं करो, और मच्छी समंदर में नहीं है, समंदर जो है खाली है पूरा। तुम लोग क्या वहाँ पर क्या बताना चाह रहे? अरे नहीं कर कि आप सब जो है ना, अगर मच्छी करते शिकार का शौक भी है तो फिशरी चले जाओ, कुंडे लेके फिशरी में मिल जाएगी, पैसों की खरीद लेना। कुछ उम्मीद तो होगी ना, कुछ उम्मीद तो होगी कि भाई लेके आएंगे, लेकिन बकाया समंदर में मच्छी नहीं है भाई। और आज हमारी पब्लिक का ये भी कहना कि आप आज थोड़ा चुकने लग रहे हो, मतलब भाई आज मैंने माशाल्लाह गया था हमारा मतलब सैलून में, बहुत अच्छा मतलब सैलून वाला है, नाम है उसका न्यू जानी को तो आप सब जानते हो कि मशहूर है, अंसर नाम है उसका न्यू जानी वाले का, बहुत अच्छे मतलब बाल वगैरह काटता है और बहुत अच्छा काम करता है। फैशन है तो खतवत भी उसने ही बनाई है, फैशन भी उसने किया है, और साथ में ये है कि मालक एक चाट की मतलब प्लेट भी वो ला के मतलब देता है न्यू जानी वाला के, प्लेट तो मतलब साथ में बाल भी मतलब। आपकी कितनी कॉस्ट हो गई टोटल? टोटल कॉस्ट सस्ता और टिका हुआ 150 में मतलब कटिंग वटिंग करके करके दे देते हैं। बकाया तो बाहर जाओ तो 350-400 रुपये लेते हैं। न्यू जानी वाले के पास सस्ता और टिकाऊ काम हो जाएगा और अच्छा काम सही है। जैसे आपने बोला है न्यू जानी वाला और मच्छी के भाई ने बताया, मतलब सारा ख्वार था भाई, कोई नहीं जाए मच्छी पकड़ने के लिए, और बाल कटवाने हो तो न्यू जानी के पास आ जाओ, सस्ता और टिकाऊ है। तो बकाया सब मतलब इधर जितने भी हैं, एक तो 2.5 घंटे वेटिंग में लगाते हैं, फिर उसके बाद बाल भी अपनी मर्जी के काटते हैं, इतना मतलब है नहीं होता है। न्यू जानी वाले के पास एनी टाइम सीट खाली होती है। हम लोग न्यू जानी वाले का जो लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पर जाके उससे कॉन्टेक्ट कर ले। तब तक के लिए बाय बाय। 6.5 hours later. सो गाइस आज हम लोगों ने इसको हटा दिया ड्राइविंग से, कि यार ड्राइवर जी हम लोग का बाइक तोड़ाता है, आसान हो गया के बाद हमारे गन्ने का शरबत भी है, और गन्ने वाला शरबत बन रहा है बनेगा, और ये पता लगेगा गरीबों वाले भी ताकत वाले जूस पी रहे, और ये भी पहला गिलास बन चुका है। ये रे भाई साफ, ये लो साफ, ये लो साफ बन रहा है। सभी हम लोग जूस में पी दे, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। चलो जो मैंने बोला वो काम करो। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है, बाय। वो है